आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा राजाओं की पुस्तक 16वां अध्याय। रमल्याह के पुत्र पेकह के 17वें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज राज्य करने लगा। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया। वह ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। तब अराम के राजा रसीन और रमल्याह के पुत्र इसराइल के राजा पेकह ने लड़ने के लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की और उन्होंने आहाज को घेर लिया, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। उस समय अराम के राजा रसीन ने एलत को अराम के वश में करके यहूदियों को वहां से निकाल दिया। तब अरामी लोग एलत को गए और आज के दिन तक वहाँ रहते हैं। अतः आहाज ने दूत भेजकर अशूर के राजा तिगलत पिलेसेर के पास कहला भेजा, मुझे अपना दास परन बेटा जानकर चढ़ाई कर और मुझे अराम के राजा और इसराइल के राजा के हाथ से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। आहाज ने यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में जितना सोना चांदी मिला उसे अशूर के राजा के पास भेंट करके भेज दिया। उसकी बात मानकर अशूर के राजा ने दमिश्क पर चढ़ाई की और उसे लेकर उसके लोगों को बंदी बनाकर कीर को ले गया और रसीन को मार डाला। जब राजा आहाज अशूर के राजा तिगलत पिलेसेर से भेंट करने के लिए दमिश्क को गया और वहां की वेदी देखकर उसकी सब बनावट के अनुसार उसका नक्शा ऊरिया याजक के पास नमूने के रूप में भेज दिया, ठीक इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा आहाज ने दमिश्क से भेजा था। ऊरिया याजक ने राजा आहाज के दमिश्क से आने से पहले एक वेदी बना दी। जब राजा दमिश्क से आया तब उसने उस वेदी को देखा और उसके निकट जाकर उस पर बलि चढ़ाए। उसी वेदी पर उसने अपना होम बलि और अन्न बलि जलाया और अर्घ दिया और मेल बलियों का लहू छिड़क दिया। और पीतल की जो वेदी यहोवा के सामने रहती थी उसको उसने भवन के सामने से अर्थात अपनी वेदी और यहोवा के भवन के बीच से हटाकर उस वेदी के उत्तर की ओर रख दिया। तब राजा आहाज ने ऊरिया याजक को यह आज्ञा दी, भोर के होम बलि और सांझ के अन्न बलि, राजा के होम बलि और उसके अन्न बलि और सब साधारण लोगों के होम बलि और अर्घ बड़ी वेदी पर चढ़ाया कर और होम बलियों और मेल बलियों का सब लहू उस पर छिड़क और पीतल की वेदी को मैं यहोवा से पूछने के लिए प्रयोग करूंगा। राजा आहाज की इस आज्ञा के अनुसार ऊरिया याजक ने किया। फिर राजा आहाज ने कुर्सियों की पटरियों को काट डाला और हौदियों को उन पर से उतार दिया और बड़े हौद को उन पीतल के बैलों पर से जो उसके नीचे थे उतार कर पत्थरों के फर्श पर रख दिया। विश्राम के दिन के लिए जो छाया हुआ स्थान भवन में बना था और राजा के बाहरी प्रवेश द्वार को उसने अश्शूर के राजा के कारण यहोवा के भवन से अलग कर दिया। आहाज के और काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।